दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों WWE में हर रेसलर का एक थीम सॉन्ग, परफॉर्मेंस स्टाइल और किरदार होता है। ये किरदार निर्धारित करता है कि रेसलर को फैंस चीयर करेंगे या उसके प्रति नाराजगी दर्ज कराएंगे। ऐसे ही कई रेसलर्स हैं जिन्होंने अपने बेबी फेस और किल किरदार को प्रभावी दिखाने के लिए गाड़ी से एंट्री की है। दोस्तों आज हम ऐसे ही 5 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने गाड़ी से जबरदस्त एंट्री की है। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की। स्मैकडाउन के 28 अक्टूबर 2005 वाले एपिसोड में एडी गिलेरो ने जब एंट्री की तो वो रिंग तक चलकर नहीं आए थे। उन्होंने अपने टैग टीम पार्टनर बैटिस्टा का साथ निभाने के लिए एक लो राइडर गाड़ी का इस्तेमाल किया जो बाद में उनके किरदार और काम का हिस्सा बन गई और इसे कहानियों में भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों एक पल वो भी था जब कर्ट एंगल ने इस गाड़ी को चुराने की नाकाम कोशिश की थी। इस पल की वजह से सेगमेंट मनोरंजक बन गया था। एडी अब दुनिया में नहीं है लेकिन उनके काम को ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिली है और वो आज भी रेसलिंग जगत में बेहद सम्मान के साथ देखे जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की। 27 जनवरी 1996 को सुपरस्टार बॉब हेली के खिलाफ डेब्यू करने वाले JBL ने डेब्यू के समय ही लिमोजिन का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था। वो उस समय तक एक नॉर्मल रेसलर के तौर पर एंट्री करते थे। वक्त के साथ उन्हें एक बिजनेस और रेसलिंग टाइकून के तौर पर दिखाया जाने लगा। इसी वजह से उन्हें अपने साथ एक लिमोजिन का इस्तेमाल करना पड़ा जो उनके किरदार को और अच्छा दिखाए। इसी वजह से वो अपने हिल किरदार को और अच्छे से कर सके थे। दोस्तों ये वो किरदार था जिसने JBL को काफ़ी लाभ पहुँचाया और उन्होंने हर रेसलर को अपने से कम समझने वाला किरदार करके खुद के काम को अच्छे से प्रदर्शित किया। दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों ऐसा नहीं कि पहला मौका था जब सासा बैंक ने कार से एंट्री की, क्योंकि वो इससे पहले भी नेक्स्ट टेकओवर ब्रुकलिन में भी एक कार से एंट्री कर चुकी है। चूंकि वो एक नेक्स्ट इवेंट था इसलिए हमने उसे यहाँ जगह नहीं दी है। रेसलमेनिया में खास एंट्री करने का एक अपना ही अलग महत्व है। दोस्तों सासा बैंक हमेशा ही लेजिट बॉस का किरदार कर रही है। उन्होंने इतने सालों में किरदार में कोई बदलाव नहीं किया। इसका सीधा अर्थ है कि वो हमेशा ही खुद को एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर प्रस्तुत करती है और रेसलमेनिया में इसे प्रदर्शित करने से बेहतर पल भला कौन सा हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की। द अंडरटेकर का किरदार रेसलिंग में सबसे लंबा और महत्वपूर्ण है। वक्त के साथ इन्होंने अपने किरदार में काफ़ी बदलाव किया। इसी वजह से इतने सालों तक ये रेसलिंग रिंग्स और फैंस को बेहद ही पसंद आए। इन्होंने अपने किरदार में एक बदलाव 2001 के दौरान किया जब इन्हें 8 महीनों के लिए रिंग से दूरी बनानी पड़ी थी। दोस्तों रिंग से दूर रहकर टेकर ने एक नए किरदार को ईजाद किया और उसका नाम द अमेरिकन बैट्स रखा गया। उस दौर में रेसलिंग फैंस और आम लोग भी हिप हॉप के खासे मुरीद हो गए थे। इस बात को समझते हुए उन्होंने इस किरदार को ईजाद किया जो आज भी फैंस के बीच लोकप्रिय है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों ये तो जॉन सीना के लिए रेसलमेनिया 23 में एक प्लैड एंट्री थी। इस एंट्री ने उन्हें फैंस का लोकप्रिय बना दिया। दोस्तों फैंस जॉन सीना को बहुत मानते हैं और जब उनके पसंदीदा रेसलर ने इस तरह से एंट्री की तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई। रेसलमेनिया जैसे शो में आप इससे अच्छी एंट्री क्या कह सकते हैं। वैसे एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं इस एंट्री को देखकर ही तो इन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में विन डीजल के साथ काम करने का मौका नहीं मिला है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।